अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़ीशान। नाज़रीन, कराची में रेंजर्स इख्तियारात में तौसी के हवाले से मशावरत और मुलाकातें जारी हैं। आज वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह दुबई पहुँचे, जहाँ उनकी आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई, जिसमें रेंजर्स इख्तियारात का जो मामला है ये ज़ेर बहस आया। यह सवाल ये उठता है कि शहर कराची के फैसले कभी लंदन तो कभी दुबई से क्यों होते हैं। दूसरा हम सवाल ये है कि सूबाई हुकूमत कराची ऑपरेशन में रोड़े क्यों अटका रही है, क्या इसे नज़र नहीं आता कि ऑपरेशन से पहले शहर की हालत क्या थी और अब क्या है। जब भी रेंजर्स के इख्तियारात की तौसी का मामला उठता है तो सूबाई हुकूमत इसमें ताखीर करती है। अगर पीपल्स पार्टी की क़यादत रेंजर्स को पसंद नहीं तो इन्हें बेशक बैरकों में वापस भेज कर इनकी जगह पुलिस और सिविल इदारों को मजबूत बनाए, लेकिन सिंध हुकूमत ऐसा करने पर भी तैयार नहीं। तो आखिर क्यों नहीं एक दफ़ा ये फैसला कर लिया जाता कि जब तक दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचता, रेंजर्स कराची में ही रहेंगे, बल्कि सूबे भर में जहां भी मुजरिम होंगे उन्हें वहां पर आसानी से काम करने दिया जाए, ताकि सिंध में अमन अमान के हालात वैसे ही बेहतर हों जैसे कराची में। क्या साइंस सरकार डॉक्टर आसिम के बाद असद खरल और इसके साथियों की गिरफ्तारी से परेशान है और अपने लोगों को बचाने के लिए रेंजर्स इख्तियारात में तौसी नहीं चाहती? क्या वो अपने मफादात की खातिर अवाम का मफाद दाव पर नहीं लगा रही? और इसमें तमाम सूरत हाल में आखिर वफाकी हुकूमत कहाँ किरदार अपना अदा कर रही है, इस पर भी आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि डॉक्टर आसिम केस में एक नया और अहम मोड़ उस वक्त आया जब कराची के नामजद मेयर वसीम अख्तर समेत अनीस कायम खानी, रऊफ सिद्दीकी और कादिर पटेल को गिरफ्तार किया गया। इन सियासी रहनुमाओं पर दहशतगर्दों के इलाज और इन्हें सहूलियात फराहम करने का संगीन इल्ज़ाम है। गिरफ्तार होने वाले अफराद का ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाक सरजमीन पार्टी से है। इन गिरफ्तारियों पर सियासी जमातें नाखुश हैं, बल्कि एमक्यूएम और पाक सरजमीन पार्टी अपने लोगों की गिरफ्तारियों पर पहली बार हम सबको एक सफ़े पर दिखाई दे रहे हैं और मुश्तरक तौर पर कराची ऑपरेशन पर तनकीद भी की जा रही है। एमक्यूएम का तो ये कहना है कि नामजद मेयर की गिरफ्तारी लाखों वोटर्स की तौहीन है और अगर इन्हें रिहा नहीं किया गया, फौरी रिहा नहीं किया गया, तो वो एहतजाज के लिए सड़कों का रुख करेंगे। उधर मुस्तफ़ा कमाल ने अनीस कायम खानी की गिरफ्तारी का जो मलबा है ये कराची ऑपरेशन पर डाल दिया है, जिसकी हम सब जानते हैं कि वो माजी में तारीफ करते रहे हैं। अब्दुल कादिर पटेल की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी खुश नहीं है। ऐसे में ये ज़रूरी है कि इन अवामी लीडरों की गिरफ्तारी के बाद उन पर मुकदमा कानूनी तकाज़ों के मुताबिक जल्द अज जल्द चलाया जाए, ताकि किसी को भी एतराज़ करने का मौका ना मिले और सबको इंसाफ मिले, क्योंकि इस शहर में सियासी कशीदगी का यकीनन खदशा मौजूद है। जैसे पीपल्स पार्टी डॉक्टर आसिम केस को जवाब बनाकर कराची ऑपरेशन पर तनकीद करती है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाक सरजमीन पार्टी भी अब उसी सफ में शामिल हो गए हैं। इस सब के बाद, इन गिरफ्तारियों के बाद जो सिंध की सियासत है इस पर असरात होंगे, इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। सीनियर तजियाकार कराची से इकराम सहगल साहब हमें प्रोग्राम में उन्होंने ज्वाइन किया है। कराची से जफर हिलाली साहब होंगे और टेलीफोन लाइन पर एमक्यूएम के रहनुमा अली रजा आबदी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और कोशिश करेंगे पीपल्स पार्टी से भी किसी रहनुमा को टेलीफोन लाइन पर ले लिया जाए। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इकराम सहगल साहब, मैं आपसे शुरू करती हूँ। रेंजर्स कई साल से सब जानते हैं कराची में मौजूद हैं। 2013 में जब कराची ऑपरेशन शुरू हुआ, उस टाइम पीरियड से लेकर अब तक कराची के हालात में जो बेहतरी है हम सबके सामने है, टारगेट किलिंग के वाकयात में कमी हुई, अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी, ऐसे वाकयात में यकीनन कमी हुई, लेकिन खुर्शीद शाह साहब तो कहते हैं कि कराची में जो अमन अमान का क्रेडिट है ये पुलिस को दिया जाना चाहिए, हम पुलिस को ये क्रेडिट देते हैं। तो फिर सेनों में सवाल उठता है कि अगर सूबाई हुकूमत को रेंजर्स पसंद नहीं है तो फिर इन्हें फारिग करके वापस क्यों नहीं भेज दिया जाता, ताकि इनकी जगह पुलिस आ जाए और इंटेलिजेंस अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए। तो क्या आप समझते हैं कि कराची की सिंध की पुलिस इस काबिल है कि रेंजर्स के जाने के बाद वो सिंध में कराची में जो अमन अमान की सूरत हाल है इस पर काबू पा सके? शाजिया, इसमें बड़ा सिंपल एक सवाल आता है। खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि पुलिस की पूरी ये परफॉर्मेंस है और रेंजर्स की नहीं, तो पूरी दुनिया जानती है कि परफॉर्मेंस किसकी है। जी बिल्कुल। तो बात यह है कि अगर एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन नेशनल असेंबली के अंदर और एक मेजॉरिटी पार्टी जो है ऑपोजिशन के अंदर पीपल्स पार्टी, उसका लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये एक दावे से कहता है, तो आपको यही समझ लेना चाहिए तो फिर इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है कि पूरे पाकिस्तान को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि इंटायर जो बातें हो रही हैं ये बातें जो हैं ये कर रहे हैं, ये सियासी एक इनका चाल है। और वो इसलिए है क्योंकि जिस तरह आपने पहले कहा कि जो लोग पकड़े गए हैं और पकड़े जाने वाले हैं
उनको बचाने के लिए ये बोलते हैं सियासत की तरफ कोशिश कर रहे हैं। देखिए सिंपल बात है रूल ऑफ लॉ की। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि प्रोविंस की जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो जो है वो जो है वो जो प्रोविंशियल उहदेदार हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं ये उनकी जिम्मेवारी है। और अगर वही लोग क्रिमिनल्स को अगर जो शेल्टर करना शुरू कर जाएं और इस तरह की डिलेइंग टैक्टिक्स करें और इस तरह की स्टेटमेंट्स दें तो फिर वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन है जो ये इसको अलाउ करती है। तो सिंपल बात है कि यही बात बड़ी अच्छी बात की खुशी शाह साहब ने कि पुलिस वालों ने परफॉर्मेंस की और रेंजर्स ने नहीं की है। तो खुशी शाह साहब से जाके बच्चे बच्चे से किसी की पूछ ले, पीपल्स पार्टी वालों से पूछ ले अगर नहीं उनको पता है कि जो लोग हैं कि किसने परफॉर्मेंस की है। तो अगर ये नहीं की है तो यही लोग हैं खुशी शाह साहब ये बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कौन से लोग आएंगे। तो आप इनकी आप जजमेंट अगर यही हालत है तो आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। यही लोग हैं जो जाके आपको आगे जो TOR है उसके अंदर पैनामा लीक्स के अंदर यही आपको मशवरा देंगे, तो आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मैं तो समझता हूँ बड़ी अच्छी बात की खुशी साहब ने और अपने को एक्सपोज किया है और अपने को अच्छी तरह एक्सपोज किया है कि एक पीपल्स पार्टी जो एक मेजॉरिटी पार्टी है अपोजिशन के अंदर उसके लीडर ने ये ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये तो खुशी की बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन को तो बोलते हैं कि सत्यानाश कर दिया और उसकी आड़ के अंदर बोले जा रहे हैं जो उनको जो उनकी मर्जी है। सही बात ये जफर हिलाली साहब, कायम अली शाह तो ये वाजे कर चुके कि रेंजर्स का इख्तियार सिर्फ कराची तक है, कराची से बाहर पूरे सिंध में वो कार्रवाई नहीं कर सकते। तो सवाल ये है कि मुल्क के किसी भी कोने में अगर जराइम हो रहे हैं, अगर सिंध में जराइम हो रहे हैं, रेंजर्स को इख्तियार नहीं मिलता तो क्या हम फिर जराइम को खुला छोड़ दें कि वहाँ पर जराइम बढ़ता रहे और सिर्फ इस लड़ाई में हम लोग उलझे रहें कि रेंजर्स का इख्तियार यहाँ तक है, रेंजर्स का इख्तियार वहाँ तक नहीं है। और क्या पुलिस वहाँ किस काबिल है कि अंदरूनी सिंध में जो जुर्म हो रहा है, जो जराइम फैलते जा रहे हैं वहाँ पर उनको कंट्रोल कर सके। बिल्कुल सही आपने, मेरे ख्याल में ऐसी बेवकूफ़ी तो मैंने कम सुना है, बहुत बेवकूफ़ी की बातें मैंने सुने हैं, हम लोग सुनते हैं हमारे पॉलिटिशन लीडर से, मगर ये जो है ये खासा, क्या इसका मतलब ये है कि आप एक एक चोर के पीछे लगे हुए हैं, जैसे वो कराची डिवीजन को क्रॉस करता आप कहते हैं अच्छा भाई खुदा हाफिज़, आप उसको वेव करते हैं गुड लक और वापस आ जाते हैं। देखो पागलपन है। देखिए एक दफ़े जब आप रेंजर्स को पावर्स देते हैं, वो पावर्स आप ना सिर्फ सिंध इंटीरियर के लिए देते हैं, आप पूरे पाकिस्तान के लिए देते हैं। बिल्कुल। अगर वो जिधर भी जाए, अगर वो पंजाब में भी जाए, वो आदमी का वो रेंजर्स सिंध रेंजर्स का हक होता है उसको परस्यू करें, हाँ कोऑपरेशन मांगे पंजाब रेंजर्स से या पुलिस से, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको छोड़ दें। दिस इज ये देखिए ये मैं आपको बता रहा हूं, ये 18th अमेंडमेंट में ये तो ख्याल इनके दिमाग में बैठ गया कि ये चार मुल्क बन गए हैं और हम जो हैं हम चीफ मिनिस्टर्स नहीं हैं, हम प्राइम मिनिस्टर्स हैं, नंबर वन। दूसरी बात ये कहते हैं कि जी इंटीरियर सिंध ठीक है, हमें रेंजर्स की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं इंटीरियर सिंध खास तौर में कच्चे पे जब चोरी होती है या कत्ल होता है तो आप और मुझे नहीं पता चलता, इधर तो अगर कुरंगी में कत्ल हो जाए तो ब्रेकिंग न्यूज हर जगह, मगर उधर जब कत्ल होता है आप और मुझे नहीं पता चलता है और कभी नहीं पता चलता है। इसलिए लोग डिस्पर्स्ड हैं, वो पैक्स नहीं है एक सिटीज में, तो ये खबर जल्दी से नहीं आती है, नंबर दो। नंबर तीन बात, किसको नहीं पता है कि लोअर रैंक्स पुलिस में और पॉलिटिशियंस की गठजोड़ है। मैं कहता हूं मोस्ट ऑफ द लोअर रैंक्स करप्ट, हायर रैंक्स में कुछ बेहतर हैं। मैं आपको बताता हूं वो क्यों मैं कह रहा हूं इससे बेहतर और क्या मिसाल हो सकती है। साबिक आईजी गुलाम हैदर जमाली की गिरफ्तारी की सिफारिश की गई करप्शन केसेस में। देखिए बिल्कुल, मगर वो तो खैर करप्शन केसेस में बिल्कुल सही कह रही है, एक एग्जाम्पल है ऑफ सीनियर ऑफिसर्स ऑल्सो बींग करप्ट, मगर आपको एक बेहतर मिसाल मैं देता हूं। इनको पूछे कि चीफ मिनिस्टर के डिस्ट्रिक्ट खैरपुर में कितने एसएसपीज ट्रांसफर हुए हैं और 3 और 6 महीने में,
आपको पता है रेगुलर पोस्टिंग ऑफिसर का 3 साल का होता है। ये तो एसपीज और एसएसपीज ज्यादा ट्रांसफर हुए इन कंपैरिजन टू एसएचओज। ये क्यों? इसलिए कि एक वक्त आता है जब वो सीनियर ऑफिसर कहता है यार माफ करिए मैं ये ऑर्डर नहीं पूरा कर सकता। तो मैं ये समझना चाहता हूं हमारे गवर्नमेंट से, जो भी हमारी गवर्नमेंट है, पता नहीं कौन है गवर्नमेंट, मैं उनसे ये पूछ सकता हूं कि यार ये छोटे छोटे ऑपरेटर्स को आप पकड़ते हैं बड़े आसानी से, साइकिल चोर को आप पकड़ लेते हैं, मगर वो जो मास्टरमाइंड्स हैं उनको आप क्यों नहीं पकड़ते हैं? उनका देखिए उनका खेल तो आप पहचानते हैं। मैं जानना चाहता हूं हमारे गवर्नमेंट्स और लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटी से कि आपका खेल क्या है कि आप उनको नहीं पकड़ते। बिल्कुल ठीक, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कि क्यों एक बार यह तय नहीं कर लिया जाता कि जब तक कराची में रेंजर्स की जरूरत है रेंजर्स को काम करने दिया जाए, आसानी से काम किया जाए, उनके काम में रोड़े ना अटकाए जाए, एक छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। इकराम सहगल साहब, डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी पर तो रेंजर्स पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा तनकीद करती रही और कहा गया कि रेंजर्स अपने इख्तियारात से तजावुज कर रही है, रेंजर्स का काम नहीं है कि करप्शन केसेस पर इन्वेस्टिगेशन करना और गिरफ्तारियां करना। लेकिन अब जो मामला चल रहा है, अब जो सूबाई हुकूमत का तनाजा चल रहा है रेंजर्स के साथ, आप समझते हैं एक तो रेंजर्स जो अंदरूने से इन कार्रवाइयां कर रही है ये तो बड़ी वजह है, असद खरल की गिरफ्तारी इसकी सबसे बड़ी वजह है? देखिए सबसे ये प्रॉब्लम आई है जब ये इन्होंने पकड़ा है इसको असद खरल को, थोड़े दिन पहले असद खरल को इन लोगों ने लारकाना से पकड़ा था जी। तो जब नैब और रेंजर्स के हवाले था तो होम मिनिस्टर सयाल साहब के भाई वो ले गए काफ़ी लोगों को और ज़ोर ज़बरी रेंजर से और नैब से उन्होंने असद खरल को और उसके 2-3 साथियों को छुड़वा लिया। तो अब ये सोचें, सिंपल बात है, आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती हैं, एक आप छोड़ दें रेंजर के इख्तियार वगैरह, मैं आप सोचें कि असद खरल जो है ये नॉन एक बोलते हैं कि क्रिमिनल एलिमेंट है और उसके जो बाकी लोग भी है वो भी काफ़ी इन्वॉल्व थे क्राइम के अंदर जो पकड़े गए थे। अब होम मिनिस्टर जिसका काम है हिफाजत करना आपका मेरा और यहाँ पर इस शहर में, अगर उसका भाई जाता है और जोर जबरी कानून के हाथों से ले लेता है उनको, तो ये क्या बात हुई जी? इंटायर जो प्रॉब्लम शुरू हुआ उस असद खरल से शुरू हुआ। बिल्कुल। फिर असद खरल को इन्होंने कोशिश की, उन्हें समझा कि सिंध होम मिनिस्टर के घर में है तो उसका रेंजर ने नाकाबंदी किया, वो स्टैंड ऑफ रही कुछ चंद घंटे, उसके बाद वो हट गई, लेकिन आखिर में उस असद खरल को उन्होंने हैदराबाद में पकड़ लिया। ठीक है, अब ये कहानी एक और दे रहे हैं कि नहीं उसने खुद सरेंडर किया, लेकिन जब पूछा गया मीडिया ने पूछा काफ़ी पुलिस स्टेशन से तो कहीं सरेंडर नहीं किया था, तो अभी वो रेंजर के हाथ में है। बात ये आती है कि इनको क्या ज़रूरी है कि क्रिमिनल एलिमेंट को ये प्रोटेक्ट करें, इनका तो काम है कि शहरी आम शहरी को प्रोटेक्ट करें। तो ये एक बहुत बड़ी एक बोलते ना कि वो है कि इनका कंप्लीट, पहले डॉक्टर आसिम हो गए, उसके बाद 2-3 और लोग ऐसे हो गए, उसके ऊपर इतराज़ किया और जिस तरह बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है हिलाली साहब ने कि भाई आप क्राइम करते हैं कराची के अंदर और कहीं चले जाते हैं और आपको कोई नहीं कुछ कह सकता, ये बच्चों वाली बात है। अगर आप क्राइम करते हो, आपको पता है कि पुलिस पार्टीज जो हैं वो जाती हैं इंटीरियर वहाँ पर जाके KPK में जाके लोगों को पकड़ लाती हैं, इस्लामाबाद से लोगों को पकड़ लाती हैं, यहाँ से पुलिस पार्टी जाती हैं। जब आपने क्राइम कमिट कर लिया एक जगह में तो उनका अख्तियार होता है, हाँ, और वो लोकल पुलिस का वहाँ पर वो ज़रूर लेते हैं। आप एक बात आती है रूल ऑफ लॉ की, रूल ऑफ लॉ के साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन की। देखिए मैं थोड़ा सा इसमें ये भी करता हूँ कि मैं रेंजर्स को भी थोड़ा ताकीद करता हूँ, मैं एपेक्स कमेटी के जो हैं कोर कमांडर साहब उनको भी ये कहता हूँ कि देखिए आपकी एक जिम्मेवारी है एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आपको अथॉरिटी भी दी गई है, आपकी जिम्मेवारी है, और ऐसे बातों में जहाँ पर आप देख रहे हैं क्रिमिनल एलिमेंट जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ मिले हुए हैं तो
तो आप तो एब्सोल्युटली विदाउट फियर आप उस काम करें, आपको क्या जरूरत है किसी से पूछने के लिए। आप जब जाती आप जब गए हैं फाटा के अंदर और स्वात के अंदर और बॉम्बिंग किया है और काफ़ी वहाँ पर आर्टिलरी शेलिंग की है, तो आपने किससे जाके पूछा, किस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आपने पूछ करके ये काम किया है। यहाँ पर आपके पास इंटरनल जो सिटी, तो आपका कहने का मतलब है कि रेंजर्स को कार्रवाइयाँ करने के लिए सिंध के सूबाई हुकूमत के मरहूने मिन्नत नहीं होना चाहिए। कोई नहीं है जी, इनको एब्सोल्युटली देखिए, अगर कोई आदमी कार्रवाई कर रहा है और वो अपनी एब्सोल्यूट वो कर रहा है विदाउट फियर, उसको विदाउट फियर करना चाहिए उसके, क्योंकि देखिए ये करते भी आए हैं। और मैं आपको ये कहता हूँ क्या करेंगे, ये कि ज़्यादा जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे या हाई कोर्ट के पास जाएंगे, मैं देखूंगा कौन सी हाई कोर्ट इनको सपोर्ट करती है कि क्रिमिनल एलिमेंट को अगर चाहे लाएं। आपको पता है ये 4 कन्विक्टेड क्रिमिनल्स जो मर्डरर्स थे पैरोल पर इन्होंने छोड़ दिया, वो देखिए सुप्रीम कोर्ट अंधा तो नहीं है ना, हाई कोर्ट अंधे तो नहीं है, वो देख रहे हैं कि आपके सामने क्या हो रहा है। ठीक, और मैं आपको बड़ा क्लियरली बताता हूँ कि इनके पास अब काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। अगर ये मुझे आके कोई बता दे रेंजर्स के अंदर या कोर कमांडर साहब या ISI या MI कि हमारे पास एविडेंस की इन्फॉर्मेशन नहीं, ये गलत बात है। इनके पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, बहुत है। इनको पॉलिटिक्स नहीं खेलना चाहिए, इनके साथ कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, PTI के नहीं है, PPP के नहीं है, जमात इस्लामी के नहीं है, PMLN के नहीं है। इनका काम है अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, एंड अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ उनके सामने कोई बात नहीं सामने आनी चाहिए, दे शुड डू देयर ड्यूटी। और मैं समझता हूँ ये ड्यूटी डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी है कि आप जाएं और आप भीख मांगते फिरें कि हमारे एक्सटेंड कर दो, क्यों एक्सटेंड कर दो, बिल्कुल इनका काम है कि आपको एक्सटेंड करना, इनका काम है कि पहले ख़त्म होने से पहले काफ़ी दिन पहले वो करना, हर चीज़ को ले जाते हैं ये आखिरी दिन तक। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मेम्बर देख लें, परसों आखिरी दिन है और अभी तक नाम भी डिस्क्लोज हुए, नाम है सिंध के सूबाई वजीर सैयद नासिर शाह हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। नासिर साहब, कराची की सूरत-ए-हाल में फर्क बिल्कुल वाजे है, कराची ऑपरेशन से पहले कराची की क्या हालत थी और अब कराची ऑपरेशन के बाद कराची की क्या हालत है, क्राइम्स में वाजे तौर पर कमी हुई है, लेकिन फिर आखिर क्यों 3-3 माह के बाद रेंजर्स के इख्तियारात में तौसीक का मामला उठा दिया जाता है। अगर सब समझते हैं कि रेंजर्स की कराची में जरूरत है जराइम के खात्मे तक, जब तक कराची में जराइम का खात्मा नहीं हो जाता, पूरे सिंध में नहीं हो जाता, तब तक रेंजर्स को वहां मौजूद रहना चाहिए, अगर ये सब में अवेयरनेस है तो फिर ये मामला क्यों उठाया जाता है, क्यों रेंजर्स के इख्तियारात में तौसी नहीं की जाती वक्त पर? देखें, पता नहीं क्या आपका टॉपिक था और क्या बातें हुई है, मैं रस्ते में हूँ अभी, आपकी कॉल आई। असल रेंजर्स को हम रेंजर्स के इख्तियारात पे बात कर रहे हैं, रेंजर्स के रेंजर्स के इख्तियारात पे 1989 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में ही रेंजर्स को बुलाया गया था यहाँ पे जी। और फिर अभी ये जो हालात थे कुछ अर्सा पहले, उसके तहत फिर उनको मजीद इख्तियारात देने की बात भी हुई थी, इख्तियारात दिए गए थे। फिर नेशनल एक्शन प्लान के तहत आपको पता है कोफा कानून और EEE ये भी नेशनल असेंबली से पास किया गया था फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। एक तो उसमें अभी एक माह हो गया है, वो कोफा का जो था वो भी नहीं हुआ अभी तक एक्सटेंड, उसका टाइम खत्म हो गया। सिमिलरली EEE को भी अभी तक कोई कानूनी हैसियत, लेकिन जो मामला जो तनाजा जिस बात पर खड़ा हुआ है वो है अंदरूनी सिंध कार्रवाइयों पर। नेशनल एक्शन प्लान की आपने बात की, तो नेशनल एक्शन प्लान के तहत तो सिक्योरिटी इदारे मुल्क में जहां चाहे जहां जराइम है कहीं भी कार्रवाई कर सकते हैं। किसी को कार्रवाई से किसी ने नहीं रोका, मुजरिम कोई भी हो, जराइम पेशा हो, दहशत गर्द हो, टेररिज्म से जो भी। वज़ीर-ए-आला सिंध कह चुके हैं कि रेंजर्स का इख्तियार सिर्फ कराची तक है, अब अंदरूने सिंध ने कार्रवाई का कोई हक नहीं, इसका मतलब ये कि जराइम को बढ़ने दिया जाए अंदरूने सिंध में। सुन तो लिया करें ना दूसरे की बात की। जी, उन्होंने जिस पैराए में ये बात की थी वो ये था कि जो रेंजर्स को इस वक्त इख्तियार दिए गए हैं वो कराची डिवीजन तक हैं, जो पुलिसिंग के और मजीद उनको इख्तियार दिए गए थे, लेकिन किसी क्रिमिनल के पीछे अगर वो सिंध में या कहीं भी जाना चाहें तो उनका जो ड्यू प्रोसेस है कानून का, उसके तहत वो हर जगह पे कार्रवाई कर सकते हैं। ये जो तनाजा जिसकी वजह बनाई जा रही है कि जिस सिंध में इसलिए नहीं किया जा रहा कि वहां पे जाके जी वो कोई खर्ल था और ये था, वो कोई होम मिनिस्टर साहब की बात उससे नसीब की जाती है, उसमें कंफ्यूजन ये हुआ था जो आपकी मीडिया पे भी है कि जो लोग
उस बंदे को पकड़ने गए थे वो सब लोग सिविल ड्रेस में थे और गाड़ियों पर नंबर प्लेटें नहीं थी। तो जब इस तरह की कोई बात होगी तो फिर उनको जाहिर है पुलिस ने भी रोका, फिर जो हुई उस पर अभी इंक्वायरी भी हो रही है। लेकिन अगर यही लोग इन्फोर्समेंट लॉ इन्फोर्समेंट के दायरे के लोग अगर ड्रेसेस में वहां जाते तो उन्हें कोई नहीं रोकता, और हमें बहुत फखर भी है, हम बहुत इज्जत भी करते हैं। तो हम ये उम्मीद करें जो रेंजर्स के इख्तियारात का फैसला दुबई में बैठकर किया जा रहा है तो इसमें ये फैसला होगा कि रेंजर्स को कराची समेत पूरे सिंध में इख्तियारात हासिल है कि वो कहीं भी जाकर कार्रवाई कर सकते हैं। दुबई से ये तल आ जाएगी जल्दी। क्रिमिनल के खिलाफ हर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को ये इख्तियारात हासिल होते हैं कि वो उनके खिलाफ कहीं भी अपना जो है रोल अदा करें और ऐसे लोगों को बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की है। पीपल्स पार्टी के कोई पहले ही रहनुमा है जफर इलाही साहब जिन्होंने ये एडमिट किया है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कहीं भी इख्तियार होता है कार्रवाई करने का। मुझे ब्रेक लेने दें, बहुत आपका ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि कराची की जो ताजर बरादरी है इन्होंने 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया है कि अगर रेंजर्स के अख्तियारात में तौसी ना की गई तो सड़कों पर आ जाएंगे। तो क्या कराची के हालात, कराची की मैशियत ये इजाज़त देगी कि एक दिन भी ताजर अगर सड़कों पर आ जाए, हड़ताल की जाए तो कराची की मैशियत का क्या हाल होगा? एक छोटे से वक्फे के बाद ब्रेक के बाद खुश आमद है। जफर इलाही साहब, आप कराची में रहते हैं, बखूबी जानते हैं कि पूरे मुल्क की जो मईशत का पहिया ये कराची से चलता है। ताजर बिरादरी ने अल्टीमेटम दिया 72 घंटों का कि रेंजर्स इख्तियारात में तौसी ना की गई तो एहतजाज के लिए निकल पड़ेंगे। एक दिन भी अगर कराची की ताजर बिरादरी कराची बंद कर देती है, हड़तालें कर देती है तो क्या कराची की जो मईशत है ये अफोर्ड कर सकेगी? बिल्कुल नहीं, ना कराची की ना मुल्क की। मगर मैं एक थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन, नासिर शाह साहब और जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनके अल्फाज में मैं आपको बताना चाहता हूं। चीफ मिनिस्टर साहब ने सक्कर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम रेंजर्स को बुलाएंगे। नासिर शाह कह रहे हैं कि जिधर रेंजर्स जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। यही तो मैंने किया कि पहले वजीर को मैंने देखा एडमिट करते हुए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है, गुड पॉइंट। मगर कहने की बात है किसको माने। दूसरी बात मैं थोड़ा सा नोट करना चाहता हूं कि बार बार ये कोर कमांडर साहब जो हैं ये नजर आ रहे हैं चीफ मिनिस्टर के पास, ये क्या ये लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं कोर कमांडर साहब? क्या वो क्या कर रहे हैं उधर, क्या पॉलिटिशियन है? माने कि मैं नहीं समझ सकता कि क्या वो उनका क्या रोल है इसमें सुलझाने के लिए, मामलात को सुलझाने के लिए। तो फिर ठीक है, तो फिर फौज देखिए ना, फिर अगर ये बात है तो फौज को आप पार्लियामेंट में ले आए। जैसे इंडोनेशिया में फौज पार्लियामेंट में है, 25% सीट्स हैं उनको, वो पॉलिटिकल काम करते हैं। कहने की बात सिर्फ ये है वी आर बीइंग खामखा फॉर नथिंग, दे पूरा सिस्टम को खराब उनके अपने के दायरे में, उनके अपने के दायरे में अगर उनके काम में रोड़े अटकाए जा रहे हैं तो वो मामलात को सुलझाने के लिए आए। नहीं तो मैं मुझे समझ नहीं आ रही है कि क्या आई मीन रेंजर्स, क्या पूछे इकराम सहगल साहब को, वो मिलिट्री में रह चुके हैं, के रेंजर्स और कोर कमांडर ठीक है जब ऑपरेशनली मैं समझ सकता हूं उनके एक एक को सपोर्ट करते हैं, वेपन्स ट्रैक्टिक्स प्लानिंग ये सब, मगर ये चीफ मिनिस्टर के साथ क्या कर रहे हैं वो जाके बात कर रहे हैं? भाई सीधी सादी बात है, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर को लाएं और कहें कि अकॉर्डिंग टू आर फिलोसफी हमारा ख्याल में, या आप सुप्रीम कोर्ट को ये मामला ले जाएं। ये जो चीफ मिनिस्टर सक्कर में बैठ के कहता है आप नहीं आ सकते जब तक हम आपको ना बुलाएं। नासिर शाह को साहब को खैर भूल जाएं, उनकी बात तो आप पहले दफे ऐसी बात हमने सुनी है। कहने की बात यह है वी आर गोइंग गेटिंग नोवेयर। देखिए लगता ऐसा है कि एस्टेब्लिशमेंट और हुएवर इज द गवर्नमेंट, अब मुझे पता नहीं गवर्नमेंट कौन है पाकिस्तान में, जो भी हो, ये लगता ऐसा है कि ये ब्लैकमेल हो रहे हैं कि भाई ये जाके उधर शोर मचाते हैं कि आप चोर के पीछे कराची तक आ सकते हैं उसके बाद आप नहीं जा सकते, कि हम अगर प्लेन क्लोज में जाके किसी को पकड़ें तो आप हमें मार मार के हमारी बुनकस निकाल दें थ्रू द पुलिस, और उसके बाद आप भागे होम मिनिस्टर के घर में जाके पनाह ले लें। यार व्हाट इज दिस, खुदा के लिए। और दिस इज एक और बात मैं आपको, मैं अगर आपकी इजाजत हो मैं बताना चाहता हूं,
ये जो चार लोग पकड़े गए हैं ये किस इस पर मैं बात इस पर मैं बात करती हूँ आपने जो बात की ना उस पर पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहते हैं इकराम सहगल साहब, जो हिलाली साहब बातें कर रहे हैं कोर कमांडर की कायम अली शाह से मुलाकातें, आप एग्री करते हैं कि उनका मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी, इन पॉलिटिकल इनमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए? जी बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। एपेक्स कमेटी की अगर जो मीटिंग होती है वो दूसरी बात है, एपेक्स कमेटी की अगर जो मीटिंग होती है उसके अंदर कोर कमांडर साहब हिस्सा लेते हैं और लेना चाहिए, लेकिन इस तरह जो है ये तो फेडरल गवर्नमेंट का काम है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो, क्योंकि ये ना आर्मी का काम है ना रेंजर के चीफ का काम है कि जाके चीफ मिनिस्टर को बोले कि जी मुझे अख्तियार देने, अख्तियार क्यों दिया मांग रहे हैं, इसलिए मांग रहे हैं ना क्योंकि हालत ख़राब है कराची में, तो अगर ये हालत मांग रहे हैं और वो नहीं दे रहे हैं तो उनको ज़रूरत क्या पूछने की, अगर अपने उस पर कायम हैं और अगर चाहे आप अपने एविडेंस पर कायम हैं तो आपके किसी की पूछने की ज़रूरत नहीं है। बात ये होती है कोर कमांडर साहब जब जाते हैं चीफ मिनिस्टर साहब वो दिखाया जाता है और फोटो अपॉर्चुनिटी आता है, उस फोटो अपॉर्चुनिटी से परसेप्शन एक बढ़ता है कि कोर कमांडर साहब भीख मांगने गए हैं उनसे कि हमें रेंजर को 30 दिन पहले दे दे। देखिए मैं एक बड़े अच्छे कोर कमांडर हैं, प्रोफेशनली बड़े कॉम्पिटेंट सोल्जर हैं और मैं समझता हूँ कि इनकी कादरी काफ़ी अच्छी रही है सिंध के अंदर, लेकिन ये जो मामला आता है जहाँ पॉलिटिकल मामला आता है इनको थोड़ा गुरेज करना चाहिए और इनके ट्रैप में नहीं आना चाहिए कि वो फोटो अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाए, उस फोटो अपॉर्चुनिटी से वो फिर उसको एक्सप्लॉयट करें। देखिए हमने तो बोल दिया कि भाई रेंजर का नहीं है तो देखो कोर कमांडर साहब आगे भागे आए हैं हमसे बात करने के लिए और हम जा रहे हैं भाई मशवरा करने। अगर सियासी क़यादत पॉलिटिकल जो मामलात हैं उनको तूल देती जाए तो मामलात कैसे सुलझेंगे, तो क्या फिर कोर्ट से अदालतों से रुजू किया जाए? नहीं जी, देखिए सिंपल बात यह है कि फेडरल गवर्नमेंट क्या कर रहा है, फेडरल गवर्नमेंट के पास आर्टिकल 245 क्यों नहीं इस्तेमाल करता है? ठीक है आर्टिकल 245 करे, सिलेक्टिव जो जगह है वहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे। 18वीं तरमीम के नतीजे निकल रहे हैं कि 18वीं तरमीम के बाद जब सूबे खुद मुख्तार हुए तो अपने मामलात चलाने के जिम्मेदार हैं वो, 18वीं तरमीम के नतीजे नहीं, हमें अपने मामलात तब तक जिम्मेदार हैं जब तक अगर अपने मामलात चलाते थे तो फिर रेंजर्स को बुलाया क्यों? रेंजर को इसलिए बुलाया गया ना कि उनकी पुलिस नाकाम थी और इसलिए किया गया ना, तो जब वो एक्सेप्ट करते हैं टैसिटली तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हम अपने मामलात में क्रिमिनल जो था एलिमेंट हम ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपसे फिर कहता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट का जब देखता है, फेडरल गवर्नमेंट देखता है कि भाई ये नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट का काम है, ये रेंजर चीफ का या कोर कमांडर साहब का काम नहीं है कि चीफ मिनिस्टर साहब के भाजे, ये काम है फेडरल गवर्नमेंट का, चौधरी निसार अली खान साहब का, प्राइम मिनिस्टर साहब का, कि वो उन पर वाजे करें कि ये होगा और आप अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट का पावर्स हैं, वो पावर्स इस्तेमाल करें और आर्मी को और रेंजर्स को इस एम्बैरसिंग पोजीशन में ना खड़ा करें जहां पर उनको काम भी कर रहे हैं और साथ साथ जूते भी खा रहे हैं। बिल्कुल सही, आगे बढ़ते हैं। हिलाली साहब आप जो बात कर रहे थे, चार अहम गिरफ्तारियां हुई कराची के नामजद मेयर वसीम अख्तर की गिरफ्तारी, अबू सिद्दीकी की गिरफ्तारी, अनीस कायम खानी की गिरफ्तारी, अब्दुल कादिर पटेल की गिरफ्तारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाराज है, पाक सरजमीन पार्टी नाराज है, MQM नाराज है, ये गिरफ्तारियां डॉक्टर आसिम केस के लिए उस केस में कितनी अहम हो सकती हैं ये गिरफ्तारियां? कि अगर उनका ख्याल ये है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का ख्याल ये है कि ये एड और सकर, उसका मतलब हेल्प और मदद दे रहे हैं हमारे दहशत गर्दों को, तो फिर ये बिल्कुल सही है। दहशत गर्दों को जो मदद करेगा उसके खिलाफ पेनल्टी है, अगर इनके पास एविडेंस है, इनके पास रिकॉर्ड्स हैं, इनके पास फ़ोन कॉल्स हैं, तो बिल्कुल सही है। इनको कहना चाहिए कि भाई हम तो उनको मार रहे हैं और आप उनको बचा रहे हैं। मगर मैं तो ये एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या ये सहूलतगार बनना, ये एक चार्ज इनको मिला? एक इनमें से एक बंदा है जो आपको पता है वो होम मिनिस्टर सिंध रह चुका, जब 2007 में बहुत सारे लोग मारे गए हैं उसके बारे में तो ये कभी उनको नहीं पूछा गया। ये होम मिनिस्टर सिंध रह चुके हैं जब हकीकीज डजन्स ऑफ हकीकीज मारे गए हैं और उनका एक पूरा घर बैतुल पता नहीं क्या नाम है बैतुल कुछ वो उसको गिरा दिया गया, बड़े मारे गए और फिर वो हकीकीज जो जेल में थे मारे गए। मुझे ये क्यों पता, मैं आपको बताता हूँ क्यों पता। मैं बीबी के साथ बैठा हुआ था बिलावल हाउस में 24 नवंबर 2007 में, जब इनका डेलीगेशन आया और इनका डेलीगेशन आके ऐसे ऐसे चीजें बीबी को बताया कि बीबी आप आ रही हैं, शुक्र खुदा का हम चाहते हैं कि आप इलेक्ट हो, देखिए हमारे साथ क्या ज्यादती हो रही है, और उन्होंने सब चीज ये बताया।
तो वो बेचारी हैरान रहेगी, कहने लगी तुम लोगों को कत्ल किया जा रहा है ये वो, और ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। तो गवर्नमेंट तो उस वक्त तो इनके साथ थी, माने मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने तो खुली छुट्टी दी हुई थी। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि क्या ये एक ही सरूलतगार एक ही चीज है जो उनको मिला अगेंस्ट मिस्टर कायम कानी और अगेंस्ट मिस्टर वसीम अख्तर या वो कादिर पटेल? मैं समझता हूँ और फिर मैं आपको ये कहूँगा शाजिया, सबको पता है कि एक्चुअल कौन मास्टरमाइंड्स हैं इन लोगों का, सहूलतगारों का पहले और उससे भी पहले, मगर उनका रीच जानबूझ के उधर तक नहीं एक्सटेंड करता है। तो मैं जानना चाहता हूँ क्यों, मुझे समझाएं एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के मास्टरमाइंड को आप नहीं पकड़ते, ये जो छोटे चोरों को हैं आप पकड़ते हैं, तो प्लीज ठीक है क्या करें। नंबर टू, एक एंड वेरी ब्रीफली, नंबर टू, पुलिस को अगर आप डीपोलिटिसाइज कर दें, पुलिस को अगर आप डीक्रिमिनलाइज कर दें, आपको तो शायद रेंजर्स की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी अगर पुलिस को आप ये करें, मगर वो भी नहीं करते आप। ठीक है, मुझे ब्रेक लेने, नाज़िर वापस आते हैं एक छोटे बाद हमारे साथ है। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, एमक्यूएम के रहनुमा अली रजा आबदी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आबदी साहब। जी वालेकुम सलाम। अली रजा साहब, बात यह है कि जब रेंजर्स कार्रवाइयां को पार्टीज को शिकायत होती है, पार्टीज एतराज करती हैं, शोर मचाती हैं, पुलिस कार्रवाइयां करे तो एतराज किया जाता है, अदालतें अपने प्रोसीजर के मुताबिक कार्रवाइयां करें तो अब एतराज किया जाता है। अब आप लोग कह रहे हैं कि वसीम अख्तर साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ आप लोग एहतजाज करेंगे, सड़कों का रुख करेंगे अगर उन्हें फौरी तौर पर रिहाना किया गया, तो हम ये समझें कि अदालत के फैसले के खिलाफ आप लोग सड़कों पर आ रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। नहीं, किसी भी ऑपरेशन या फिर रेंजर्स की कार्रवाई या पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ मुतहदा नहीं है। हमारे तकरीबन 5.5 से 6 हज़ार कारकुनान को अरेस्ट किया गया, आपने इतने प्रोटेस्ट नहीं देखे। लेकिन जहां पे फंडामेंटल राइट, बेसिक राइट या फिर ह्यूमन राइट्स का इशू आता है या कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आता है, उस पर हम आवाज़ उठाते हैं, और वो हमारा किसी भी पार्टी का वो हक है कि वो उस पर आवाज़ उठा के उसको क्लियर कराने की कोशिश करे। जुडिशरी पे बिल्कुल भी नहीं, जुडिशरी का फैसला हमने कबूल किया है, लेकिन आप फैसला तो जुडिशरी ने किया ना। जी जी, लेकिन आप ये देखिए कि आज से पहले मेरे ख्याल में कोई भी जीआईटी इस तरह एडमिसिबल नहीं हुई है अनलेस अदरवाइज प्रॉपर प्रूफ्स के साथ या फिर उसका कोई ट्रायल चलाओ या केस चलाओ। दूसरी बात, ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है सहूलतकारी का, आप देखें मैं भी एक एमएनए, मेरे इलाके में कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी मेरा जो रहने वाला है अगर वो बीमार हो जाता है, अस्पताल में जाता है, जिना अस्पताल में मैं 500 दफा फोन करता हूँ और उनको बताता हूँ कि जी इसका ख्याल कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए। इसी तरह और हॉस्पिटल्स में मैं भी करता हूँ, तो मुझे नहीं पता होता कि दहशतगर्द कौन है। अगर वो दहशतगर्द थे जिनके साथ इनका इलाज करवाया गया, फर्ज करें इन लोगों ने कह के, तो क्या वो साबित हुए हैं वो दहशतगर्द, वो लोग जिनको इल्जाम दिया जा रहा है कि वो दहशतगर्द हैं जिनकी सहूलतकारी की गई? तो इसमें बहुत लकूनाज हैं, और ये एक बड़ा पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था जिसके बेस पे हम लोग जो अपना मौकफ ले रहे हैं वो यही है कि जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, और ये केस पुराना बना हुआ है, और उसके बावजूद 5 दिसंबर को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कराची की आवाम ने ये सब जानते हुए वोट्स दिए और इन्हीं को मेयर नॉमिनेट करवाया। तो मेयर को तो उसके इख्तियारात देने के लिए कोई भी आगे नहीं आया और तैयार नहीं हुआ, और आज तक नाम मिल सके जो कराची का मैंडेट है उसको भी पजीराई नहीं मिल सकी, लेकिन वो मेयर और उनके साथ जो एमपी हैं, तो एक केस जो के जिसकी दुम और सर का पता भी नहीं चलता, वो केस पे उनको अरेस्ट करके जीआईटी के बेस पे उनको भिजवा दिया गया। तो ये चीजें हैं जो कि एक सेमैन बी कॉमनर भी अंडरस्टैंड करता है और उसको नजर आती है। अगर आप लोगों को अदालतों से इंसाफ की तवक्को है तो ये मामला अदालतों पर छोड़ दिए जाएं, अगर कोई बेकसूर है तो वो रिहा हो जाएगा, इंसाफ मिल जाएगा? जी जी बिल्कुल मिलेगा। और हमें साजिश किसकी हो सकती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल साहब, खुद उनको गिरफ्तार कर लिया गया, पाक सर जमीन पार्टी जिन पर आप लोग इल्जाम लगाते थे वो आप पर इल्जाम लगाते थे, उनके भी अनीस कायम खानी को गिरफ्तार कर लिया गया। जब ये केस सामने आएगा, खुलेगा, जब इस पे बात, जब ये इसका भी वर्डिक्ट आएगा तो पता चल जाएगा किसकी कहां से साजिश थी, क्या नियत। तो अभी भी हम कोर्ट्स पे ही भरोसा कर रहे हैं और कोर्ट्स पे ही
की बेल की एप्लीकेशंस को मूव किया जा रहा है, ना कोई जोर जबरदस्ती हो रही है। प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, हम प्रोटेस्ट। तो इस इशू पर पाक सरजमीन पार्टी और आप लोग इकट्ठे नजर आ सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर एहतजाज करेंगे, इकट्ठे हो सकते हैं इस इशू पर आप पाक सरजमीन पार्टी के साथ? देखिए, ये तो बड़ा एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है। नहीं, पाक सरजमीन की पार्टी के साथ कभी भी नहीं हो सकते, ना हमारे तरफ से कोई कोशिश होगी इस तरह की कि वो इकट्ठे हुए इस बात पे। उस पार्टी का अलग मौकफ है, वो हमारे एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म लेके कोशिश करी जा रही है, जो कि हमारी पार्टी में से ही उनकी कोशिशें हो रही हैं कि इसको डिस्टर्ब किया जाए। उनकी नियत एक अलग है, लेकिन वो उसमें साथ मिलना ये कभी भी। अच्छा, आप लोग एहतजाज किससे करेंगे, किस किस के सामने आप लोग एहतजाज करेंगे, किसके खिलाफ होगा ये एहतजाज? ये एहतजाज बेसिकली अवाम को बाशऊर अवाम के इल्म में लाने के लिए है कि क्या ज्यादतियां हुई जा रही हैं, किस तरीके से ज्यादतियां हुई जा रही हैं। हमारा डिमांड जो होंगी वो गवर्नमेंट और जुडिशरी से यही है कि इस केस में इंसाफ किया जाए, इंसाफ के सारे तकाजे पूरे किए जाएं, और जिनको सजा मिलनी है उनको सजा मिले बाकायदा बाय फेयर ट्रायल। लेकिन उससे पहले सिर्फ मीडिया की जीनत बनने के लिए या फिर सनसनी फैलाने के लिए इसको इस तरह ना इस्तेमाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रजा अब्दी साहब। इकराम सरगल साहब, आपको लगता है कि किसी को प्रेशराइज करने के लिए जांच करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अली रजा अब्दी साहब ठीक बोलते हैं, उनकी राइट है एज ए डेमोक्रेटिक पार्टी कि वो एहतजाज करें, बिल्कुल ठीक है। और ये भी ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि किसने किसको टेलीफोन किया, उसके क्या एविडेंस है, लेकिन ये भी ठीक है कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में दहशत गर्दों को सिस्टमेटिकली ट्रीट किया हो, तो आई थिंक ये राइट है स्टेट का कि वो स्टेट उनको देखे और उनकी ओरिजिन देखे कि वो दहशत गर्द थे, टारगेट किलर थे, मिलिटेंट थे, किस पार्टी के थे, कहाँ से थे, और उनको सपोर्ट और इन्फ्लुएंस कौन कर रहा था। नाउ ऑब्वियसली ये तो मैं तो स्पेकुलेट नहीं करूँगा किसी बात पर कि भाई किसने उसको टेलीफोन किया, नहीं किया, इन्फ्लुएंस किया, नहीं किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इसमें तो कोई शक नहीं है कि उस हॉस्पिटल में दहशतगर्द और टारगेट किलर ट्रीट हुए, और वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ के थे, और वो उनकी बोलते ना एफिलिएशन थी, और उस एफिलिएशन के मामले पर उन्होंने जो कनेक्शन निकाली हैं वो देखना है कि साबित कर सकते हैं कि नहीं। तो आई थिंक दूसरी बात ये कि अली रजा अब्दी साहब ने कहा कि उनको राइट है, बिल्कुल ठीक बात करते हैं, उनकी बिल्कुल प्रोटेस्ट करना राइट है, लेकिन वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन बात यह कि रेंजर्स इख्तियारात का मसला पहले ही इसने सर उठाया हुआ है, इसमें तौसीन नहीं की जा रही है, और दूसरी तरफ अगर शहर की तीनों जमातें इसके खिलाफ उठ खड़ी होती हैं इस मसले पर, तो ये सूरतयाल मजीद पेचीदा नहीं हो जाएगी? देखिए, बात यह है कि जब पहले जब रेंजर्स थी और वो एक्सक्लूसिवली वो ज़्यादातर MQM के जो मिलिटेंट्स थे, टारगेट के लिए जो उनके साथ एफिलिएटेड थे, उनको पकड़ रहे थे, उस वक्त तो पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं कहा था। अब जब वो पीपल्स पार्टी की बारी आ गई तो नेचुरली वो उसके अंदर इख्तियारात और ये वो एक्सेट्रा शुरू हो गया। अब देखिए, ये मैं समझता हूँ सिंपल बात ये है कि मैंने पहले भी ये कहा है और अभी भी कहता हूँ, और मैं जफर लाही साहब ने भी ये बात की है कि ये एट द एंड ऑफ द डे फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करे। ठीक है, उन्होंने कोशिश की है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को नज करे और उनको अपना सही रास्ते में बोले कि अपना काम करें, और वो नहीं करती है तो उनका काम है तहफ़ करना, वो तो चांस नहीं ले सकते एक आदमी के बोलते हैं कि लाइफ के साथ चांस नहीं ले सकते, उसकी लिबर्टी के साथ चांस ले सकते, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो प्रोटेक्ट करें। और बिल्कुल ठीक कहते हैं, 18th अमेंडमेंट के बाद ये नहीं बात होगी कि ये तीन चार ये सूबे जो हैं अलग अलग रियासतें बन गई हैं, कुछ भी है, ये पाकिस्तान के पार्ट हैं और रेंजर्स पाकिस्तान के पार्ट हैं, ये फौज पाकिस्तान की पार्ट है, और जो लॉ एंड ऑर्डर है एट द एंड ऑफ द डे इंटरनल सिक्योरिटी जो होता है एट द एंड ऑफ द डे अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट पूरा नहीं करती है तो वो फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। योर कमेंट है लाली साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस लॉ के तहत, किस नेशनल सिक्योरिटी की अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी किस किस्म की मीटिंग हो रही है दुबई में। भाई, दुबई एक और मुल्क है, उधर 101 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उधर 101 उनके पास तरीके हैं टू फाइंड आउट कि पाकिस्तान का एक प्रोविंस कैसा रन हो रहा है, क्या फैसले हो रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स पे,
क्या व्यू पॉइंट्स हो रहे हैं, कौन क्या कह रहा है। माय गॉड, मैं तो समझता हूं कि आप अगर एक प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान और नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स आप दुबई में डिस्कस कर रहे हैं तो ये समझिए कि आपका सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गया है और बाहर के लोगों को और खासतौर आपको दुश्मनों को 100% उनके पास इंटेलिजेंस है कि आप क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं। इसलिए आजकल का जमाना में इतना सोफिस्टिकेटेड हो गया है मामला कि आप कमरे में बोलें और वो वाइब्रेशंस ऑफ द विंडो से वो बता सकते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। नंबर वन, तो मेरे ख्याल में किसी को ये सुओ मोटो नोटिस चले ले ना कोर्ट्स और कहें कि भाई व्हाई आर यू रीडिंग पाकिस्तान फ्रॉम अब्रॉड, या तो अंदर आए या निकल जाए। एक बात। दूसरी बात, कौन चला रहा है प्रोविंस को और पुलिस को? जरदारी साहब चला रहे हैं बेटा, तो इज जस्ट अ प्रीटेक्स्ट। अच्छा, इसका मतलब यह है कि वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, इट्स लाइक द फॉक्स रनिंग द चिकन कूप, माने कि जरदारी साहब के खिलाफ मोस्ट ऑफ द एलिगेशंस उनके खिलाफ हैं और वो पुलिस को भी चला रहे हैं और वो फेडरेशन को। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये किस किस्म के हुक्मरान है, ये किस किस्म की हुकूमत है। इस प्रोविंस को खुदा के लिए खुद गिव इट अ चांस, ताजिर आने लग जाएं और कोई और अभी आने लग जाएगा, ये पार्टीज आने लग जाएंगे हमारे, वी हैव नो होप। बिल्कुल सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सफर इलाली जैगल साहब, मेरे तमाम मेहमानों का शुक्रिया। नाइट एडिशन से शाज़िज़ ईशान को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।